बीजेपी को जिस चीज का डर था ठीक ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी की लेकिन वसुंधरा खेमे के करीबियों का पत्ता साफ कर दिया। ऐसे में अब उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक अब बीजेपी के खिलाफ ही यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय का नजारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक है, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर विद्याकर जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है इस तरफ कूच किया है, नारेबाजी कर रहे हैं। और जो बाहरी प्रत्याशी जिनको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद जयपुर ग्रामीण को टिकट दिया है उनके गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजपाल सिंह शेखावत जो कि काफी समय से वहां पर सक्रिय हैं, विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, उनका बीजेपी ने क्यों टिकट काटा, क्यों पत्ता काटा। और ऐसे में अब जोटवाड़ा की जो जनता है वो जोटवाड़ा की जनता अब आग बबूला हो चुकी है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं की फौज है, वो यहाँ पर गोक के नारे लगा रही है। देखिए इनमें आक्रोश है, राजस्थान गोक के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे बोलो हमारे राजपाल जी चाहिए, हमारे राजपाल जी चाहिए, हमारे को क्यों टिकट कटा उनका? हाँ जी, ईमानदार तो काटे, ईमानदार है ये। क्या राज्यवर्धन मंजूर नहीं है? राज्यवर्धन मंजूर नहीं है? राज्यवर्धन एक रुपए का काम नहीं किया और राज्यवर्धन को जोटवाड़ा की पंचायतें नहीं बताए और राज्यवर्धन को वार्ड पार्षदों के नाम नहीं बताए। राज्यवर्धन कार्यकर्ताओं को नहीं जानता है। राज्यवर्धन को यह भी नहीं बताए कि जोटवाड़ा में पंचायत कितनी है। हमको ऐसा कोई नेता नहीं चाहिए जो पिछले 9 साल में एक बार भी जोटवाड़ा में नहीं आया। क्या कहेंगे, क्या लगता है फिर ऐसे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? बीजेपी को पूरे राजस्थान में एक कर्नल की वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा। जो इंसान पिछले 33 साल से जोटवाड़ा को अपने खून पसीने से सींचा है और उसको आपका टिकट, आप लोगों ने टिकट काट दिया, इस आला कमाल को भी ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे तो जो आएगा कार्यकर्ताओं की मंजूरी से आएगा। क्या जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है वसुंधरा के? बिल्कुल जानबूझकर वसुंधरा महारानी को कमजोर करने के लिए जानबूझ कर नजरअंदाज किया है। जोटवाड़ा के युवा है वो राजपाल को होगा किसी को यहाँ पर नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और राज्यवर्धन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। देखिए हाथों में तख्तियां हुआ बैनर लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जोटवाड़ा की जो जनता है वो अपने जनप्रिय नेता जो कि काफी सालों से बीजेपी के कर्मठ रहे हैं उनका पत्ता कटने से नाराज है। क्या नाम है आपका? कुमार पारिक। पारिक साहब क्यों हुआ इतना बड़ा बड़ा फेरबदल? फेरबदल पता नहीं कैसे हुआ, मतलब टिकट राजपाल सिंह जी को मिलनी चाहिए, जो सांसद राज्यवर्धन सिंह जी। अच्छा, राज्यपाल जी को और मंत्री को ही टिकट मिलनी चाहिए थी। जोटवाड़ा में 5 साल से 15 साल से सक्रिय है, मतलब जोटवाड़ा के लोकसभा में। आप भी बीजेपी के मूल वोटर हो? हाँ बिल्कुल। या राजपाल सिंह शेखावत के हो? बीजेपी के हैं और राजपाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार जब टिकट कटा है अब क्या रुख होगा? अब देखो ये हमारी तरफ से ये राजपाल जी को टिकट मिले, बगावत की आवाज बुलंद होगी ये लगता है। बिल्कुल, जो राजपाल सिंह जी के साथ है सभी लोग और हम लोग पार्टी के वोटर हैं और राजपाल सिंह जी के सपोर्टर हैं। लेकिन यहाँ पे जो नारेबाजी चल रही है वो तो जेपी नड्डा मुर्दाबाद के चल रहे हैं। नहीं नहीं, जेपी नड्डा मुर्दाबाद नहीं चल रही है अभी साहब, जनता पार्टी जिंदाबाद चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ऐसा नहीं है कोई मुर्दाबाद नहीं चल रही, जिंदाबाद चल रही है। ये देखिए यहाँ पर पुतला दहन भी किया गया है, यहाँ पर टायर जलाकर विरोध जताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो प्रदेश कार्यालय का जो नजारा है वो देख सकते हैं, ये पूरी चारों तरफ से जो जनता है यहाँ की ये अब विरोध में उतर चाहिए। वो कह रहे हैं कि जोटवाड़ा का एक ही लाल, सिर्फ राजपाल राजपाल। क्या कहेंगे? जोटवाड़ा का एक ही लाल, जोटवाड़ा का एक ही लाल। क्या कहेंगे? राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया बीजेपी ने, क्या गलत दिया? बहुत गलत किया पार्टी वालों ने, भाई को पकाओ। क्या राजपाल पर भरोसा नहीं था जो राज्यवर्धन पर जताया है? नहीं नहीं, राज्यवर्धन हारेगा, चुनाव हारेगा भी। बीजेपी के तो आप वोटर हो, आप तो वोट दोगे ना बीजेपी को? नहीं नहीं देंगे, राजपाल जी के फेवर में देंगे। राजपाल जी को टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। निर्दलीय उतरेंगे तो निर्दलीय को देंगे?
राजपाल जी के साथ। ये राजपाल जी के समर्थक हैं, देखिए तस्वीरें थोड़ी अलग एंगल से दिखाना चाहूंगा। ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है, देखिए आग लगी, बुझा आग, बुझा आग, बुझा। देखिए यहाँ पर जनता भड़क रही है, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है। बीजेपी को इस बात का डर था यदि वसुंधरा खेमे की टिकट कटे तो कहीं ना कहीं बगावत की जो आवाज है वो बुलंद होगी। ठीक ऐसा ही अब हो रहा है, धीरे धीरे जो उनके टिकट कटे हैं वो एक एक करके बीजेपी मुख्यालय में आकर अपना विरोध जता रहे हैं, और ये विरोध की तस्वीरें अब बीजेपी मुख्यालय में आम हो चली है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जब 23 तारीख को मतदान होगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या पता रिजल्ट किसके पक्ष में बैठेगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।